यहाँ पर आपको हम खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस मेरिट पर सुनने का फैसला किया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस मेरिट पर सुना जाएगा। अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस मेरिट पर सुनने का फैसला सामने आया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर यही अदालत सुनेंगी। ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मियां नवाज शरीफ के हवाले से। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस मेरिट पर सुनने का फैसला सामने आया है। कोर्ट का कहना है कि यही अदालत ये केस सुनेगी। अल अजीजिया केस में मियां नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत का फैसला किया गया है। अदालत का कहना है कि यही अदालत फैसला तो ये केस सुनेगी और मुकदमा एहतसाब अदालत को भिजवाने की सजा मुस्तरद कर दी गई है। मोहम्मद आलिजा हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। आलिजा बताइएगा, कब से समाअत बाकायदा शुरू होगी? समाअत इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला एक अहम खबर है। एहतसाब अदालत को मामला वापस भिजवाने की जो मुस्लिम लीग नून के वकला ने इस्तदा की थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और अमजद परवेज जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनके दलाइल जारी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलिजा, आपसे अपडेट से सवाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।